अब आज मुझे यही लगता है कि शायद कॉलेज के उन 2 सालों में मुझे उससे और बात करनी चाहिए थी, शायद मुझे उसके फ़ोन और उठाने चाहिए थे, शायद मुझे उससे मिल भी लेना चाहिए था। मुझे हैप्पी फ्रेंडशिप डे बेटा, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, दोस्ती का ये दिन आप सबको मुबारक हो। बस यही है कि आजकल के ज़माने में सच्चे अच्छे दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यदि आपके आसपास कोई आपका सच में सच्चा दोस्त है, और हो सकता हो वो इतना इंटेलिजेंट ना हो सकता हो वो इतना कूल ना हो, इतना स्मार्ट ना हो सकता हो कि वो दिखने में इतना अच्छा ना हो, कपड़े इतने अच्छे ना पहनता हो, आपके जैसे उसके क्लास या स्टेटस ना हो, पर अगर सच में सच्चा इनोसेंट दोस्त है तो यार उसको थाम के रखो। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं, ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। कई बार आप क्या करते हो कि ऐसे दोस्तों को छोड़ के आप एक नकली दोस्तों की दुनिया में रहते हो, ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हो जो मुंह पे तो बड़े मीठे बनते हैं पर पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं, और अंदर ही अंदर बस इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किस दिन आप जीवन में असफल हो जाओ और वो इस बात पे हंसी उड़ा सके। आपके मुंह पे तो बहुत सीधे बनेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, पर जैसे ही आप महफिल से हटते हो तुरंत पीठ पीछे चालू हो जाते हैं कि देख रहे हो कितना ये बनता है अपने आप को, देखो ये अपने आप को कितना ज़्यादा समझता है, देखना ये तो पक्का फेल होगा इस बार एग्ज़ाम में, इसका तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं निकलने वाला है, ये कितना ख़राब लगता है, कपड़े देख रहे हो उसके कितने लो क्लास हैं। तो आप अपने असली दोस्तों को छोड़ के ऐसे दोस्तों के बीच में मत फंसा करो, है ना, जिनको आप सोचते हो ना कि बहुत कूल हैं, ये मेरे BFF, आपको लगता है ना ये BFF वाला सर्कल लड़कियां भी बहुत बनाती हैं ये, कि ये मेरी बेस्टी है, ये मेरा BFF है, ये मेरी BFF है, और इन सब में वो अपने उस दोस्त को छोड़ देते हैं जो बहुत ही आम लिबास पहनते हैं, आम जिंदगी जीते हैं, देखने में भी एवरेज दिखते हैं, हो सकता हो ढंग की अंग्रेजी ना बोल पाते हो, ढंग का उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना, उनको छोड़ के इस नकली दोस्तों की दुनिया में खो जाते हो, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बोलते हो, पर आपको इसमें मिलते क्या है, इसमें आपको मिलते हैं बिगेस्ट फ्रॉड, फ्रेंड्स जिनको आप अपना BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर समझते हो, असल में वो बिगेस्ट फ्रॉड फ्रेंड होते हैं कई बार। तो उनको छोड़ के अपने उन दोस्तों का साथ दो जो तुमको सच में प्रेम करते हैं। हम लोग का स्कूल में एक मित्र था, आज फ्रेंडशिप डे है तो ये बात भी मैं बता दूं, हमारा स्कूल में एक बहुत अच्छा मित्र था, मेरे घर के पास में रहता था क्लास 6 से, क्योंकि मेरा घर बिक गया था क्लास 6 में, तो हम लोग किराए के घर पे चले गए थे, क्लास 6 में मेरा घर बिक गया, हम लोग किराए के घर पे, इलाहाबाद में एक जगह है बेनीगंज करके एक जगह है इलाहाबाद में, उसके पास में हम लोग नयापुरवा एक जगह है, वहाँ पे असल में किराए के घर पे गए थे, और मेरे स्कूल का एक बड़ा ही अच्छा मेरा मित्र था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, नाम नहीं बोलेंगे कहीं से उसके परिवार वालों को वीडियो दिखे तो उनको भी बुरा लगेगा, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और क्लास 6 से हम लोग साथ में स्कूल जाते थे वही साइकिल से, बगल में साइकिल चला के, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था मुझे याद है कि एक बार मैं घर से निकला और स्कूल पहुंच गया और साइकिल के करियर पे मेरा बैग तक नहीं लगा था, मैं पता नहीं अजीब दुनिया में रहता था, बहुत ही भोंदू बच्चा था मैं, तो साइकिल के करियर पे मेरा बैग ही नहीं लगा था, बिना बैग लिए स्कूल पहुंच गया था मैं उसके साथ, तो स्कूल पहुंचते वक्त उसने देखा, बोला पांडे, मेरे को पांडे बोलते हैं दोस्त, बोला पांडे बैग कहाँ, हमने कहा यार घर पे छूट गया, और मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था। फिर उसके बाद हम सब अलग अलग कॉलेज चले गए, स्कूल में बहुत मस्ती की साथ में, हमेशा हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे ना तो घूमने का प्लान हमेशा वही बनाता था कि कहाँ पिकनिक पे चलना है, हमेशा वही डिसाइड करता था कि यहाँ चलेंगे और शाम को कोचिंग के बाद यहाँ मिलेंगे सब लोग, ये सारी चीज़ें कि अब हम लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मेरे घर पे बैठेंगे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमने चलेंगे, पांडे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं तुम्हारे हिस्से का 100 रुपये मैं दे दूँगा, और इस तरह का मेरा दोस्त था। फिर हम लोग सब कॉलेज चले गए, और कॉलेज जाने के बाद ऐसा होता है कि हम लोग अपने स्कूल के दोस्तों से कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं, और फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में मेरी उससे बातचीत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि धीमे धीमे मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई देना ही छोड़ दिया। हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो, बातें कम हो जाती है, और सेकेंड ईयर में ऐसा ही चल रहा था, एक बीच एक रात उसका बड़ा लंबा सा मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन में बहुत दुख है,
और इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें उसने मुझको लिख के भेजी, तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा परेशानी में है। फिर मैंने उसे कॉल किया तो पता चला कि वो सेकेंड ईयर कॉलेज में था और थोड़ा डिप्रेस था कॉलेज के अंदर, कुछ उसने उधार उधार भी लोगों से ले रखे थे, इस तरह की परेशानी थी। मैंने उसको समझाया समझाया कि सब सही हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे। फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग लगभग एक दो महीने बाद इलाहाबाद में रहने वाले हैं, वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं भी पहुँच रहा था शहर, वो भी पहुँच रहा था। और ये हम लोग की बात हुई होगी इसके करीब एक डेढ़ महीने बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दोस्त नहीं रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आपको बहुत प्यार करते हो ना, उनको अपने पास रखो, उनसे बात करते रहो। आपको नहीं पता है आप उनको कब खो दोगे, कब वो जीवन से चले जाएंगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी बहुत इज्जत करो। अब आज मुझे यही लगता है कि शायद कॉलेज के उन दो सालों में मुझे उससे और बात करनी चाहिए थी, शायद मुझे उसके फ़ोन और उठाने चाहिए थे, शायद मुझे उससे मिल भी लेना चाहिए था। मुझे है इस बात का हमेशा एक गिल्ट रहेगा मन में, और इस तरह के गिल्ट आपके अंदर न रहे। आपका कोई दोस्त कभी उदास हो ना, कभी उसका दिल टूटा हो ना, कभी पर कई बार सच में दिल टूट जाता है इंसान का, और ज़रूरी नहीं कि इस दिल टूटने के पीछे प्रेम प्रसंग ही हो, किसी भी कारण से दिल टूट सकता है। करियर में वो अच्छा ना कर पा रहा हो, पढ़ाई में अच्छा ना कर पा रहा हो, अपने माँ बाप से वो परेशान हो। ये उम्र ही ऐसी है 17, 18, 20 साल की कि माँ बाप से आप हर तरह की बातें शेयर नहीं कर पाते। जीवन में अलग अलग तरह के आपको दुख दर्द मिलते हैं, और ये दुख दर्द आप किससे बताओ भाई, किससे शेयर करो। माँ बाप के पास जाओ तो वो कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, जीवन में कुछ बनना नहीं है। टीचर के पास जाओगे तो बोलेगा ये सब बहुत छोटी बात है, छोड़ दो। पर कोई ये नहीं समझता कि आपके लिए वो छोटी बात नहीं, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो रखी है। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत ज़रूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ दो आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। ये होती है फ्रेंडशिप भाई।